जानकारी दे दूं कि पहले जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यालय में होता था, अब अपने विधानसभा सरकारी आवास पर हम लोग प्रारंभ किए हैं पिछले बार से ही। आज 51 थाना कांड संख्या 916/23 लखीसराय नरसंहार कांड के संदर्भ में इनको भी गोली लगा है, आपको भी नहीं लगा है? नहीं, उन्हीं के फैमिली से हैं, चंदन झा की मैं पत्नी हूं। चंदन झा की पत्नी है मृतक चंदन झा की, मेघा कुमारी आई हुई है न्याय के लिए। और आज कहीं न कहीं प्रशासन की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, जो मुख्य खड़जंत करता है उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं होना और FIR में उसको भगाने वाले का आई विटनेस रही है। इन्होंने वहां के सांसद ललन बाबू के सामने, इनके परिवार के लोग, उस बच्चा का क्या नाम है, प्रिंस झा जो आग दिया है, वो वक्तव्य, और इन्होंने भी, हम और प्रदेश अध्यक्ष गए थे, आज ये लोग आकर के पुलिस महानिदेशक और सभी जगह न्याय के लिए आए हैं। हमारे पास भी आज, हम एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में हमारे और अन्य विधायक रहेंगे, मुख्य सचेतक, सब लोगों के नेतृत्व में एक पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे और इनके न्याय के लिए और कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। अरविंद पासवान के संदर्भ में और आशीष चौधरी के मोबाइल के संदर्भ में इन्होंने मांग किया कि क्यों नहीं उसकी जांच हो रही, क्यों वहां का CCTV कैमरा से देखने का प्रयास हो रहा है और इसको फर्स्ट डे से बचाने का क्यों खेल हो रहा है। सुसाइड नोट जो 15 पेज का जारी किए थे और फोटो सजा करके वहां के SP, उसकी भी जांच हो बचाने के लिए अभियुक्त को, ये जमीन पर कब्जा का मामला से। और एक बार हम इनको भी चाहेंगे कि ये अपने तरफ से बताएं जो कहना चाहती हैं, बताइए। सच्चाई तो ये है कि जमीनी विवाद का बात है, 15 पन्नों की जो बात है सब बिल्कुल बकवास है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरा जमीन अरविंद पासवान हड़पना चाहता है और 15 पेज का बकवास बना के मेरा केस का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम चिल्ला के सबको बता रहे हैं, अरविंद पासवान, अशोक मोदी, पवन रावत, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही तो कैमरा का कोई जांच किया गया है। हम लोग अभी भी असुरक्षित ही महसूस करते हैं, कभी नहीं घर से बाहर निकलते हैं, कितना दिन घर में बंद रहेंगे, कहाँ है मेरी सरकार, कहाँ है मोदी जी, हमको क्यों नहीं न्याय मिलता, क्या हम उनको वोट नहीं देते हैं, इसीलिए ना कि हम गरीब ब्राह्मण हैं। दुर्घटना का क्या हुआ था? दुर्घटना के छठ के दिन हम लोग आ रहे थे और आशीष चौधरी ने सबसे पहले मेरी ननद दुर्गा झा को गोली मार दिया, उसके बाद मेरे भैंसू राजनंदन झा को मार दिया, उसके बाद मेरी छोटी गोतनी प्रीति झा को मार दिया, उसके बाद बड़ी गोतनी लवली झा को मार दिया, उसके बाद चंदन झा मेरे पति जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो वहाँ के सब लोग देखे हैं कि तो मेरा बच्चा खुद प्रिंस झा देखा है। और अरविंद पासवान पीठ थपथपा के बोला, जा तुम्हारा काम हो गया। हम चीख के चिल्ला के सबके सामने बोल रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया, क्यों, हम गरीब ब्राह्मण हैं इसीलिए मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहे हैं अभी तक। अगर नहीं इस पे कार्रवाई किया जाएगा, हम पूरा फैमिली रोड पे आके आत्महत्या कर लेंगे। आज इन्होंने
जब यहाँ आ गए तो हमने कहा कि हम एक विधानमंडल दल के नेता के नाते एक कमेटी आज पुलिस महानिदेशक के पास हम भेजेंगे और न्याय करें। जब आई विटनेस ये हैं, आई विटनेस जब बोल रही है तब प्रशासन लाचार बेबस क्यों है, किसके दबाव में है? ये सरकार न्याय न बचाते हैं न फंसाते हैं, फिर ये खेल क्यों खेलते हैं? और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गरीब लोग हैं। लखीसराय के अंदर नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार में, तो लालू यादव की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा ही नहीं नौकरी दिया था। अपराधियों की गोली से मरने वाले लोगों को सरकार मुआवजा दे, क्योंकि एक विपदा है, एक आपदा है। और ये सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, सुरक्षा नहीं देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये गृह मंत्री भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी इस तरह के नरसंहार पर। इसलिए जैसे जहरीली शराब से मरने वाले को आपने मुआवजा दिया, जो अपराधियों की गोली से मरता है, ये नरसंहार है, इनको मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था दी। ये लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। और ये नौटंकीबाज बिहार के राजनीति का सबसे बड़े नौटंकीबाज, जिनको बड़े भाई के रूप में ये पोषित कर रहे हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी लालू यादव को, और ये नौटंकीबाज लोग आज गए हैं तिरुपतिनाथ का दर्शन करने, भगवान तिरुपतिनाथ का दर्शन करने। अच्छी बात है, जब नास्तिक को आस्तिक स्वभाव बने मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये नास्तिक लोग क्यों नहीं यहां के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को और फतेह बहादुर इनके माननीय विधायक, उनको भी चार्टर्ड विमान से साथ ले जाते और उनको भी भगवान तिरुपति के मंदिर में माथा टेकवाते और कहते कि सनातन धर्म के करोड़ों लोग की आस्था पर चोट करने के लिए तुम पश्चाताप करो। लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं, चार्टर्ड विमान से गए हैं। आप इन दोनों को क्यों छोड़ दिए? एक तरफ दोनों से सनातन के धर्म ग्रंथों पर, सनातन गुरुओं पर, सनातन के विरुद्ध अपमान की भाषा बुलवाते हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के संदर्भ में किन किन शब्दों का उपयोग करता है, वहां भी चार्टर्ड विमान से आपका जंगल राज का भ्रष्टाचार का उत्तराधिकारी, आपका पुत्र तेजस्वी यादव जी केक खाने जाते हैं, बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? जनता की गाढ़ी कमाई, जो बिहार के खजाना को लूटा गया, उस खजाने के पैसे के हिसाब देने में बीमारी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन चार्टर्ड विमान से केक खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए और तिरुपति का दर्शन करने, भगवान तिरुपति का दर्शन करने में पैसे की कमी नहीं, बीमारी नहीं। ये नौटंकीबाज लोग राजनीति को गंदा कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पलटू राम श्रीमान लालू प्रसाद यादव कहा था, और ऐसा पलटू बना दिया कि हर चीज पर पलटी मारते हैं। आपके पलटी मारने पर अब लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता है। कभी कांग्रेस लतिया कर बाहर करता है, फिर उसके पैर पकड़ करके आप कहे नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं जाएंगे। अरे सभी भ्रष्टाचारी वंशवादी एक मंच पर आकर के खड़े हो जाइए। देश की जनता समझ चुकी है कि जो सेवक है देश की जनता का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी की गारंटी चलेगी। ये घमंडिया गठबंधन अवसरवादी मानसिकता के पलटू राम की जमात
जो अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को लेकर के देश की राजनीति को नौटंकीबाजी से भ्रम के वातावरण बना करके आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करके समाज को आपस में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का और जातीय जहर से लोगों को लड़ाने का खेल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी सजगता के साथ अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके सदन से सड़क तक लड़ेंगे और जब तक अपराधियों की गोली से ऐसे पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं बता दूं कि ये जदयू के लोग, राजद के लोग कांग्रेस के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे हैं कि कांग्रेस के कारण हार हो गई। अरे धिक्कार है, ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को अपने बिहार के बारे में क्यों नहीं बताते हो कि सात पार्टी का गठबंधन था और मोकामा के अंदर क्या हाल हुआ, गोपालगंज कुर्नी क्यों हार गया। जब तुमको अपने घर बिहार के लोग विश्वास नहीं करता तो दूसरे राज्य में जाकर के कौन सा तुम्हारी महत्ता और तुम्हारे ऊपर विश्वास है जो अपना राज नहीं संभाल सकता, जो राज्य को जो राज्य को जंगल राज को जनता राज करके गुंडा राज में तब्दील कर देता हो, अपराधियों को संरक्षित करता हो, इनके कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री जो साहनी का हत्या किया है आज तक उस पर FIR नहीं होने दिया, आज ये विधवा बैठी है इसके पति का हत्या किया, आई विटनेस है खुल करके अपराधियों का नाम ले रहा, उस पर FIR नहीं होने दिया, वो व्यक्ति जो अपराध भ्रष्टाचार के कोख में पलता और बढ़ता है वो किसी भी राज्य में जाएगा कोई विश्वास नहीं करेगा, लोग वहां से खदेड़ देगा कि बिहार की गंदगी और बिहार के अपराध और भ्रष्टाचार की महामारी दूसरे राज्य में नहीं फैलाओ। पूरे देश की जनता सतर्क और सावधान है, इन लोगों ने जो जहर का लहर का कहर ढाने का एक वातावरण बनाया था देश की जनता नकार दी है और देश की जनता शांति के साथ विकास का, सबका साथ सबका विकास की भाव से आगे बढ़ने का मंत्र ले चुका है। NDIA गठबंधन बना रहे हैं, कुर्मी जाति पर कमेंट किया जा गया और उस मुख्यमंत्री कांग्रेस का उसकी गलबहियां करने के लिए नीतीश कुमार पलटूराम व्यग्र हैं और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव तो बड़े नौटंकीबाज हैं ही, ये लालू यादव नीतीश कुमार बिहार के लिए अभिशाप और हर बिहारी इन दोनों को रहते देश में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए देश में मान सम्मान बिहारी को जो देश का नेतृत्व बिहार करता था इन दोनों से मुक्ति के बाद एक बड़ा अभियान चलेगा। और जिस दिन ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का माफीनामा के लिए नहीं विषय उठावेंगे बिहार के लोग इनका तिरस्कार ही नहीं करेगा, इनका बहिष्कार करेगा, पता नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का सह है और नियत में खोट है। मुख्य अभियुक्त को बचाने का, उसको संरक्षित करने वाला, उसको भगाने वाला वहां का चेयरमैन जो अकूत संपत्ति का भी मालिक बना है, लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी डिटेल दिया है और उसके साथ कौन कौन ग्रुप के लोग संलिप्त हैं, ऐसे लोगों पर पूरी स्पेशल कमेटी की जांच करके कार्रवाई करें। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।